इस प्रोडक्ट का नाम है अपवर्ड्स पर्सनल लोन, जिसे सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किया गया है। अपवर्ड्स क्या है? अपवर्ड्स सैलरीड पर्सन को क्विक लोन प्रोवाइड करता है। अपवर्ड्स आपके इंस्टेंट लोन की जरूरतों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, चाहे शॉपिंग हो या ट्रैवलिंग या कोई पैसों का प्रॉब्लम। अपवर्ड्स आपको आपके हर कठिन समय में आपकी मदद करता है। अपवर्ड्स में लोन अमाउंट इंस्टेंटली बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं। इसका इंटरेस्ट रेट कम है, सेफ एंड सिक्योर है, फ्लेक्सिबल पेमेंट टेन्योर है, सुपर फास्ट प्रोसेस है, आपके सवालों को जल्द से जल्द रिजॉल्व करता है, कम डॉक्यूमेंट में अकाउंट लोन देता है। देखते हैं इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। आपके कस्टमर इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। आपके कस्टमर का एज 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। आपके कस्टमर का सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए। आपके कस्टमर का सिविल स्कोर 650 से ज़्यादा होना चाहिए। कस्टमर आपके शेयर किए हुए लिंक को खोले और अपना नाम, नंबर, मेल आईडी और सिटी के पिन कोड को एंटर करें और स्टार्ट जर्नी नाउ पे क्लिक करें। इसके बाद कस्टमर को वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कस्टमर को सबसे पहले KYC कंप्लीट करना होगा, जैसे कि पहले उन्हें पर्सनल डिटेल्स भर लेना है। पर्सनल डिटेल्स में उनका मोबाइल नंबर लिखना है, उन्हें कितना लोन रिक्वायर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पैन नंबर लिख लेना है, फर्स्ट नेम लिख लेना है, लास्ट नेम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है और उनका जेंडर उन्हें सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। देन अब आपके कस्टमर को एम्प्लॉयर डिटेल्स भर लेना है। एम्प्लॉयर डिटेल्स में उनका मंथली इनकम कितना है वो टाइप कर लेना है और देन उनका सैलरी कैसा आता है वो उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। देन उनकी कंपनी का नाम डाल लेना है और उनका सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब आपके कस्टमर को ई आधार वेरिफिकेशन कर लेना है, जहां पे उन्हें वेरीफाई आधार यूजिंग मोबाइल OTP पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद उन्हें आधार नंबर टाइप कर लेना है और गेट कैप्चा पे क्लिक कर लेना है। फिर उन्हें कैप्चा और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो वो टाइप कर लेना है और गेट OTP पर वेरिफिकेशन के लिए क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे OTP टाइप कर लेना है और फिनिश ई आधार पे क्लिक कर लेना है। फिनिश ई आधार पे क्लिक करने के बाद अब आपके कस्टमर को यहाँ बैंक डिटेल्स भर लेना है, जहाँ पे उन्हें उनका बैंक नेम टाइप कर लेना है, जो बैंक में उनका सैलरी आता है उस बैंक का IFSC कोड डाल लेना है, ब्रांच एड्रेस और सिटी सिलेक्ट कर लेना है, फिर सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपके कस्टमर को अप्रूवल के लिए थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही वो अप्रूवल अमाउंट वहाँ पे शो करेगा, देन आपके कस्टमर वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कितने लोन की रिक्वायरमेंट है और उन्हें लोन टेन्योर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उन्हें सबमिट और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब आपके कस्टमर को लोन डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए ई साइन लोन एग्रीमेंट करना होगा, जहां उन्हें उनका मोबाइल नंबर टाइप करना होगा और सबमिट करना होगा। देन उन्हें उस नंबर में OTP रिसीव होगा, उन्हें वो OTP यहां डाल लेना है और वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। फिर लोकेशन के परमिशन के लिए अलाउ पे क्लिक कर लेना है। अब आपके कस्टमर को ई मैंडेट साइन कर लेना है और उनका अप्रूवल अमाउंट उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।